सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज फिल्मी फंडे में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, कॉमेडी के एकदम बेताज बादशाह, जिनकी कॉमेडी आप लोग देख रहे हैं, घर में बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स देख रहे हैं। शशांक जी, वेलकम टू joinfilms। भाभी जी घर पर है। लाला जी आप का चाहिए? मौका। का बोले? हाय ये पति जिन्हें पत्नी लगे बासी पनीर। तिवारी जी दिखाई नहीं दे रहे? आ भाई के घर गए। और भाभी दूध वाली खीर। चांदनी चौक में आजकल पंचम के सॉन्ग सुनाई देते हैं। ए पंचम, बंद कर अपने ये बेसुरे बोल जी। चल लौंडे, जल्दी से दुकान खोल। ऐसा कट पीस माल कहीं नहीं मिलेगा बहन जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दुकान का सबसे बेस्ट माल है। क्यों जीजा जी? ये तो ट्रेलर है भैया, असली पिक्चर तो छत पे है। आपको अब जो लगातार ये अवार्ड्स मिल रहे हैं कॉमेडी के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो एक तो होता है एप्रिसिएशन पब्लिक का और एक होता है रिवार्ड इंडस्ट्री की तरफ से, क्या फीलिंग है? फीलिंग बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है। लोग देख रहे हैं और जिस चीज़ को लोग इतने प्यार से देख रहे हैं और उसको जो है वो इतने वार्म हार्ट से जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको जो है वो क्रिटिकली भी अक्लेम किया जा रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है। क्योंकि ये जॉनरा बहुत मुश्किल है अपने आप में, रोज़ कॉमेडी बनाना। हमारे जैसे दो शोज़ हैं अभी मेरे, तो 5 एपिसोड इसके आते हैं जीजा जी के हफ्ते में और 5 भाभी जी के आते हैं, तो 10 हो गए एक हफ्ते के, तो महीने के 44 समझ लीजिए, तो वो 44 एपिसोड्स जनरेट करना वो एक अपने आप में एक बड़ा मुश्किल टास्क है। राइट शशांक जी, एक बात और है जो मैंने महसूस की है और वो मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहता था कि कॉमेडी तो बहुत पहले से चले आ रही है, सब टीवी पे भी बहुत पहले से, लेकिन जो एक कॉमेडी का तरीका था और सलीका था वो भाभी जी से एकदम से चेंज हुआ, बड़ा सादगी वाली जो ये कॉमेडी उभर के आई है, इसके पीछे सोच क्या थी आपकी? एक्चुअली हम लोग जो पहले फॉर्मेट था वो ज़्यादा क्या होता था, सिचुएशन पे ज़्यादा डिपेंड करते थे और फिजिकल ह्यूमर पे ज़्यादा लाउड करते थे, चीखने पे ज़्यादा जो है वो जोर रहता था क्योंकि स्क्रिप्ट वीक होती थी और मुश्किल चीज जो सैड पार्ट है वो ये है कि बहुत से लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये पता ही नहीं था कि मजाक क्या है। तो जब जिस आदमी को ये पता नहीं होता है कि जोक क्या है तो वो हर चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बोलता है और दुनिया जमाने की एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है कि मैं किसी तरह हंसा दूं। एफर्ट लगा था। तो जितना एफर्ट लगाओगे उतना कम ह्यूमर जनरेट होगा। हमारा फॉर्मेट जो है वो भाभी जी में और जीजा जी में, एक्चुअली ये है स्पेशली भाभी जी में कि हम लोग जो हैं वो स्पोकन कॉन्वर्जेशनल ह्यूमर जो है कि दो, अभी जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो क्या मैं चीख रहा हूँ या क्या आप चीख रहे हैं? दोनों नहीं चीख रहे हैं। क्या हमारे चेहरे पे बहुत जूम्स आ रहे हैं, ट्रॉलियाँ चल रही हैं, क्रेन चल नहीं, लेकिन अगर हम थोड़े फ़नी बातचीत करें आपस में दो शरीफ लोगों की तरह तो ये हंसेंगे। राइट तो वही चीज़ है। तो मतलब ह्यूमर को बिल्कुल उसी आसान ह्यूमर की तरह प्रेजेंट किया। यस, और वही लोगों को एकदम से लग गया और दिल में बैठ गया। ब्यूटी लाइज इन सिंपलिसिटी। क्या बात, साधारण होना चाहिए, आम बातचीत फनी होनी चाहिए और कैरेक्टराइजेशन क्लियर होनी चाहिए। मेन जो लोगों को मज़ा आता है वो अपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनको पसंद आ गए हैं, वो कैरेक्टराइजेशन, दे आर इन लव विद द कैरेक्टर्स। तो रोज़ उनको ये है कि 20 मिनट हम ये कैरेक्टर देख लें, आज इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये अगर चाय पी रहा है तो ये कैसे पी रहा है। उनको ये नहीं चाहिए कि कुछ पूरी जो है वो इतनी ज़बरदस्त कुछ इवेंट्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उनको, तो सिर्फ झांकना है वो आधे घंटे और अपना हंसना है, मज़ा करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। तो जितना सिंपल रहे उतना लोग एंजॉय करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि शशांक जी से बात कर रहा हूँ वो इतनी सिंपलिसिटी से, इतनी सादगी से बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये वाले जो कॉमेडी सीरियल है उसके क्रिएटर से मैं बात कर रहा हूँ। शशांक जी, कास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब इस तरह के आपने करेक्टर डिज़ाइन किए, कितना ध्यान रखते हैं आप इन चीज़ों का? कास्टिंग का यूजली हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर जो है अगर अच्छा बन जाए और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कैरेक्टराइजेशन उसकी, फिर उसमें कौन फिट होता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते। ऑल्दो हमें बोला बहुत कुछ जाता है, अच्छा,
कि भाई ये बहुत काला है इसको मत लो, ये बहुत गोरा है इसको मत लो, ये बहुत मोटा है ये शक्ल का, नहीं सवाल ये नहीं है। क्या हम लोगों की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में क्या सब लोग जो हैं वो सलमान खान जितने अच्छे गुड लुकिंग हैं? नहीं। या सब लोग क्या ऐश्वर्या राय हैं? नहीं है ना। लेकिन फिर भी मज़ेदार लोग हैं, आपको किसी एक नॉर्मल लुकिंग लड़की से भी प्यार हो जाता है, किसी एक नॉर्मल आदमी भी आपका दोस्त होता है। तो इसलिए जो पार्ट को एक्चुअली सूट करता है वो हम उसको कास्ट करते हैं यूजुअली, उसकी वजह से वो एकदम रियल लगने लगता है और वही खूबसूरती है। वही खूबसूरती, नहीं तो यूजुअली क्या होता है कास्टिंग थोप दी जाती है। वो आर्टिफिशियल लगता है, वो आर्टिफिशियल लगता है फिर। राइट। और सेम चीज़ मैं आपसे एक और पूछूंगा कि एक जो कंटेंट है जो वो बिल्कुल इतने सालों से लगातार चला रहा है और लगातार पहचान बनी हुई है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप जुड़ चुके हैं, ये जो राइटिंग का कंटेंट है आपने और जो आपके राइटर हैं उन्होंने जो मैच करके रखा है, इसके पीछे क्या राज है इतनी कंटिन्यूटी का? देखिए हमारी जो है ना एक जो राइटर है हमारे मनोज संतोषी जी और रघुवीर शेखावत, ये दोनों बहुत माहिर राइटर्स हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया राइटर्स हैं। और इनके साथ जो है वो मैं, हमारे प्रोड्यूसर संजय कोहली और हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हर्षदा, हम लोगों की ये कोर टीम है। तो ये एक दिमाग की उपज नहीं है, सब लोग आपस में मिल के हम लोग जिस चीज़ पे हमें हंसी आती है हम वो बनाते हैं। ओके। और क्वालिटी का ऐसा है कि जो जो मैं सबको बोलता हूँ और सब मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो ये है कि आप ये ना समझें कि ये आप कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेरा ट्रूली ये मानना है कि ये माँ सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाला करवा रहा है, आप जरिया हैं। तो जिस दिन वो प्राइड आ गई कि ये मैंने किया उस दिन क्वालिटी गिर जाएगी। राइट। सो यू आर मियरली द मींस एंड माँ इज़ डूइंग इट थ्रू यू, सो इन्जॉय करिए, आप खुद भी इन्जॉय करिए, उस पर अचंबा करिए कि अरे यार ये कैसा आइडिया आ गया, ये तो कमाल है, क्या आइडिया दे दिया। तो जब तक वो हंसी आ रही है और सरप्राइज लेवल है तब तक आप खुद भी धरती पर रहेंगे और ह्यूमर भी धरती पर रहेगा, वरना खुद उड़ जाओगे और ह्यूमर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। अभी आप दोनों सीरियल कर रहे हैं, जीजाजी छत पर और भाभी जी घर पर, और दोनों के सेट हालांकि आसपास ही हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल पर्सन, एज ए डायरेक्टर, एक तो माइंड के तौर पर दोनों में अलग अलग रहना इन्वॉल्वमेंट और फिर फिजिकली भी इन्वॉल्व रहना, कैसे मैनेज करते हो आप? अच्छा पतला हो गया हूँ इस चक्कर में क्योंकि दोनों सेट अगल बगल हैं, तो मैं कभी यहाँ से टहल के उधर चले जाता हूँ, कभी वहाँ से टहल के उधर काम भी हो रहा है, वॉक भी हो रही है, वॉक भी हो रही है। और थैंकफुली मेरी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हमारे जो दोनों सेट्स के जो कैमरामैन हैं और मेरे जो मेरी टीम है, कोर टीम है, चाहे वो अक्षय हो, यहाँ पे प्रफुल है, ये सब बहुत स्ट्रांग, दे आर ऑल हार्ड वर्किंग बॉयज। सो इन सब के एक एफर्ट से हमारे जो कैमरामैन है राजा दादा और वहाँ पे गणेश भाभी जी में, तो ये लोग इतना सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि वो इट्स अ टीम एफर्ट, ये एक आदमी के बस का नहीं है। राइट। शशांक जी, एक डायरेक्टर के तौर पे कितना ज़रूरी हो जाता है कि आपको आपके हिसाब से फ्रीडम मिले? किसी ने आपको हायर किया है, जैसे अगर कोई मुझे हायर करता है कि आप हमारे लिए ये शो बनाइए, तो वो किसी बिना पे किया होगा कि भाई हमने इसको इसलिए लिया है, तो अगर उसको लिया है तो उसको उसका काम करने दें, दैट्स ऑल आई से। हाँ, बस जितना आप फ्रीडम दोगे उतनी कॉमेडी बेटर होगी। कॉमेडी जो है वो सोप नहीं है, उसको उतना स्ट्रेस में और उतना माइन्यूटली मॉनिटर करके जो है वो कॉमेडी क्रिएट नहीं होती है, ये एक फ्लो होता है, कई बार वो चलता है। अब हर मैच में तो जो है वो इंडिया नहीं जीतती, तो कई बार वो चलता है और कई बार वो उतना नहीं चलता, लेकिन वो लॉ ऑफ द एवरेज होती है कि हर महीने जो है वो अगर आपके 40 एपिसोड आ रहे हैं तो उसमें से ऑन एन एवरेज कितने एपिसोड्स जो हैं वो फेयरली डिसेंट क्वालिटी के थे, कई तो बहुत बुरे होंगे, कई बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो अच्छे मीडियम लेवल के होंगे, तो वो जो एवरेज है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेंटेन होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप किसी एक बुरे को पकड़ करके जो है वो कुल्हाड़ी लेके भाग रहे हो तो वो गलत है, या किसी एक अच्छे को लेकर अगर बिल्कुल ही हार पार पहनाए दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ज़रा थोड़ा संयम और थोड़ा ईज और पेशेंस का काम है, क्योंकि रोज़ हंसाना जो है वो आसान नहीं, वो आसान नहीं, नहीं, नहीं है। उसको ह्यूमर को उतना ग्रांटेड नहीं ले सकते। शशांक जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई डायरेक्शन में? मेरे जो डायरेक्टोरियल गुरु हैं राजन वागधरे, ओके, वो श्रीमान श्रीमती जो था दूरदर्शन पे, वो उन्होंने बनाया था, और यस बॉस नाम का एक बहुत बड़ा शो था,
तो वो रायन जी और सैकड़ों उनके कोलगेट टॉप टेन बहुत बनाए हुए रायन जी से, तो मैंने उनके साथ जो है वो एज असिस्टेंट मैं सिक्स असिस्टेंट ज्वाइन इन हुआ था सिक्स नंबर पे, लेकिन जो भी सिखाया है वो सब उन्होंने सिखाया है और बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया बहुत ही पेंस लेके और बिल्कुल एज अ फैमिली मेंबर उन्होंने, तो मैं आज एक तरह से जो भी हूँ डायरेक्टोरियली वो राजन जी की वजह से, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। सिक्स असिस्टेंट से शुरुआत की और आज इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर हैं, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, कितना समय लग गया इस दूरी को पूरा करने में? बहुत समय लग गया, मैंने 8 या 9 साल राजन जी के साथ एज असिस्टेंट काम किया, 8-9 साल। उसके बाद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संजय कोहली जो हैं, श्री संजय कोहली, उन्होंने मुझे FIR नाम का एक सीरियल आता था सब टीवी पे, उसमें मुझे फर्स्ट ब्रेक दी, बस वहाँ से फिर वो सिलसिला जर्नी शुरू हो गई। तो ये जो 8-9 साल है असिस्टेंटशिप के, ये एक अच्छी ट्रेनिंग के तौर पे काम आए? बहुत बहुत बहुत, उसी के ही सब जो है वो जो ट्रेनिंग राजन जी ने दी है, वो जो स्कूल है, वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसके बलबूते पे ये सारा खड़ा किया हुआ है। बिल्डिंग जो है वो नींव वो है, अगर नींव कमज़ोर डालते वो तो बिल्डिंग ना इतनी ऊंची बनती और ना इतनी शानदार होती। थैंक यू, थैंक यू वेरी, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे शशांक बाली जी, जो कि सीरियल आप देखते हैं भाभी जी घर पर हैं, जीजाजी छत पर हैं। जो सीरियल आपको बहुत ज़्यादा हंसाते हैं वो यही सीधे साधे से भोले भाले से डायरेक्टर शशांक बाली जी डायरेक्ट करते हैं। दोनों सीरियल आसपास शूट हो रहे हैं, देखिए कितना फिजिकली फिट होना चाहिए एक डायरेक्टर को, और क्रिएटिवली भी उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से आता रहूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।